बिहार से बहुत बड़ी खबर आ रही है, बाहुबली और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह को पैरोल मिली है और वो जेल से बाहर आ गए हैं। अनंत सिंह को अपनी पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए 15 दिनों की पैरोल मिली है, लेकिन मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाली वोटिंग से पहले अनंत सिंह का जेल से बाहर आना सियासी तौर पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। पैरोल पर रिहाई के बाद अनंत सिंह ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है, वो हम आपको सुनवाते हैं। तो अनंत सिंह जनता के बीच पहुंच गए हैं, कार्यालय पहुंच गए हैं। एक सवाल था, पहले आप तांगे पे चलते थे फिर आपने गाड़ी खरीदी, पहले आप तांगे पे चलते थे फिर गाड़ी खरीदी, कभी मन हुआ कि हवाई जहाज पे चढ़े? हवाई जहाज चढ़े पूरा मन है, कभी चढ़े का दूज हो, खरीदने का मन हुआ हवाई जहाज का है, अभी खरीदने का मूड नहीं है। आपके घर में ललन सिंह की तस्वीर लगी रहती है, ललन सिंह को गुरु मानते हैं, गुरु चेले जैसा संबंध है, कैसा संबंध? ऐसा बात नहीं है, दोस्ती है, गुरु चेला नहीं। कैसी दोस्त? जैसे दोस्ती कुल से होता है। अशोक मेहतो ने कहा कि आप ललन सिंह को वो भारी मतों से हराएंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट अंतर से। आप जनता के बीच पहुंचे तो हैं, क्या रणनीति है आपके पास, कैसे आप लोगों के बीच, कुछ सोचा है कि कैसे अपील? लोग तो हमारा भेंट करने के लिए है, जनता हमारा है। 40 साल से जनता को हम भगवान मानते हैं, जेल से छूटे हैं, जनता से मिलने के लिए आए हैं, सबसे मिल लेंगे हम। नहीं तो मतलब जब आप वोट अपील करने जाएंगे, आप कह रहे हैं ना कि ललन सिंह जीतेंगे, आप उनको जिताएंगे, तो कैसे जनता को क्या बोलेंगे आप, कुछ सोच? जान रहा है कि ललन सिंह के साथ ही है, ललन सिंह के वोट देंगे, जो हमारा जनता को ललन सिंह के देगा वोट। तरीका होगा ना, कोई तरीका नहीं है, वोट दिन वोट दे देगा। कुछ नहीं बोलेंगे, जनता कुछ जान रहे हैं कि ललन सिंह के वोट देना है, हम ललन सिंह के साथ हैं। आपके बाहर आने से जनता समझ? हाँ, जनता समझ गई। आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है आपने, आपका भी जीवन में आपने बहुत बहुत नीचे से आप इतने ऊपर तक गए हैं, ये अलग बात है कि इस वक्त आप जेल में हैं, लेकिन संघर्ष का जो आपका दिन है उसको कैसे याद करते हैं, बड़ी दिक्कत? वो सब हमारा याद नहीं है, वो सब पाछू छूटते जाता है, बात भूलते जाता है, पाछू बात गया, जो पाछू गया, जो फिर आगू आवेगा वो देखेंगे, पछला कतनात करेगा। आप जब आपको सजा हुई थी तो आपने कहा, जब आपको सजा हुई थी तो आपने कहा था आपको फंसाया गया, हुआ क्या? हाँ, कोई फंसा दिया था। हाँ, क्या होते रहता है, हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ था, पुलिस गलती सामान रख के आपको फंसा दिया था। हाँ, हमको गलती फंसाया था। अभी भी आपको लगता है कि जो सजा हुई है वो होनी नहीं चाहिए? वो अब कैसे कहें, जो जज कर दिया वो सही है, जो हुआ कुल सही है, जो होगा वो भी सही है। कभी आप लालू जी की तरफ जाते हैं, कभी आप नीतीश जी की तरफ जाते हैं? सब दिन नीतीश जी के साथ है। कि फंसा दिया उनका पुलिस हमारा, हम लालू जी के पास गए, चल गए, लालू जी बुलाए थे, लालू जी हमको साथ नहीं दिया, एक बकार नहीं बोला था, हम छोड़ दिए। हम विधायक बनने में किसी को ही जाना हमको जरूरत नहीं है, जनता मालिक भगवान है, मैं ही से बनते हैं, हम निर्दलियों लड़ते हैं, दलियों लड़ते हैं, बूढ़ अपना कि विधायक बनने के लिए किसी भी जाना हमको जरूरत नहीं है, आल है जहाँ जाना है तहाँ। लालू जी जब आपको बुलाए थे तो कुछ बोले होंगे? क्या बोलेगा, मदद करेंगे, नहीं मदद किया, हम हट गए। हाँ, कहा मदद करेंगे, नहीं किया था, हम हट गए, इतनी तो बात है, अब कुछ नहीं है। तो आशा लेके जाएगा, नहीं करेगा तो बुरा नहीं लगेगा तो बढ़िया लगेगा, कोई आशा भी ले गया, कुछ नहीं काम किया तो बुरा लगबे करेगा। जनता के बीच तो आप पहुंच गए हैं, ये है 15 दिन आप बाहर है, लेकिन अब एक बार आप चाहेंगे कि एक बार नीतीश जी से भी मुलाकात हो जाए अच्छे से? नहीं, कोई जरूरी नहीं, हमारा जनते से मुलाकात करने का मन रहता है, कोई नेता भी नेता से नहीं, जनते हमारा मालिक है, भगवान है, सब कुछ ये है, कोई नेता फेता से हमको उतना मतलब नहीं रहता है। हाँ, सब कुछ मिले हैं यही के लोग जानता है भी इतने से, ओवरऑल कोई नेता भी जाना हमारा कोई जरूरी नहीं है। क्या करेंगे आप आगे? क्या करेंगे, कर रहे हैं, देखे रहे, वह करेंगे, जनता से भेंट करेंगे, जनते जनता करेंगे कि कुछ आगे भी करेंगे? 15 दिन कुछ नहीं करेंगे, हमको जनता से भेंट करना है। वोट देने जाएंगे ना? वोट हमको दे देते हैं, कहीं एक वोट से क्या होगा, एक वोट से बहुत असर हो, दे देंगे, दे देंगे, जब तक विचार है तो दे देंगे।
की पत्नी विधायक हैं, हालांकि वो आरजेडी के टिकट से हैं, लेकिन वो लगातार समर्थन दे रही हैं जेडीयू का। और इस चुनाव में कहा जा रहा है कि जेडीयू की सीटों का नुकसान होगा, तो आपके आने से आसपास की जो सीटें हैं मुंगेर की, वहाँ भी कुछ लग रहा है कि प्रभाव पड़ेगा? कहा तो रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ललन सिंह जीतल है 4 लाख 5 लाख वोट से। आपके कह देने से जनता बोलेगा। हाँ, वो इलेक्शन तो देखिएगा 10-12 दिन में तो है, अब लंबा दिन तो नहीं है। मैं आपसे पहले भी मैंने सवाल किया, एक बार फिर से मैं सवाल करूंगी, कष्ट के दिनों को जब अनंत सिंह दुख में थे, संघर्ष कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, जमीनी वर्चस्व की जब लड़ाई लड़ रहे थे, जब दुख में थे, तब कैसे याद करते हैं, कुछ बताएंगे? नहीं, हमारा कभी दुख होवे नहीं करता है हमको, जब कुछ भी होता है सुख लगता है, दुख हमको पता लगे तब कि दुख हो रहा है, दुख हमको नहीं होता है। 4 साल पहले तो आप वीडियो पे वीडियो बना के कह रहे थे कि हमको फंसाया गया है, दुख है, कह रहे हैं कि हमको बचाया गया है। तो अपने घर पे नहीं, वहाँ तो 20 साल से नहीं गया था। आगड़ा बिहार में कई सीटों पर आगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया है, आगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया, कुल गलत बात है। नहीं देख रहे आगड़ा पिछड़ा कुल हमारा साथ है कि नहीं है? आगड़ा पिछड़ा कुल हमारा साथ है, कोई अलग नहीं है। नहीं, कोई गलती बोलता है आगरा पिछड़ा, वो सब बात कहीं नहीं है ना। जाति की राजनीति ठीक है? जाति की राजनीति नहीं, जात से नतगिरी होवे नहीं करता है, समूचे समाज से होता है, वो जात से नतगिरी नहीं होता। एकदम देखिए, कौन जात का आदमी नहीं है, सब जात का आदमी है। हाँ, हम इन्हें घूम रहे फिर टाल जाएंगे, सब लोग घूम रहे। कह रहे हैं मोदी जी फिर से प्रधान एकदम बनेंगे, अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छा लगता है। कुल गरीब का खाना दे रहा है, किसान का पैसा दे रहा है। आप सांसद का ही नहीं बनते, आप सांसद का ही नहीं बनते, आप सांसद का वो ज्यादा बड़गढ़ क्षेत्र है, हम छोटा रह चाहते हैं, वो बड़ा है। संसद जाना चाहेंगे? संसद दिल्ली में बड़ा सा घर हो, बंगला हो, तो हो पागले है लोगो है, जैसे वो कुल करोगे ज्यादा। अरे ककरा बड़का घर नहीं अच्छा लगता, ककरा झोपड़ी अच्छा लगता है, आप इसने इसने बात बोलते हैं। सांसद होकर के जाएंगे, अपने घर है सांसद इतना को। हाँ, हमारा फार्म हाउस है, दिल्ली में घर है, उस सब के हमको सिहाई की जरूरत नहीं है, ना सब कुछ हमारा है। हम आगे क्या खरीदे? सब कुछ है, कतुर है, कोई चीज कमी हमको नहीं है। हाँ, नहीं नहीं कोई शौक नहीं, हमारा जनता से मिलना शौक है, हम मिल रहे हैं, इतने शौक हमारा है, बस बस बस। आप निकलिए, देखो ये अनंत सिंह है, पेरोल पर निकले हैं 15 दिन के लिए, कह रहे हैं कि जमीन का बंटवारा करना है, और तमाम मुद्दों पर बातचीत इन्होंने एबीपी न्यूज से सबसे पहले की है। अपने सहयोगी सीके सिंह के साथ नीतिश्री, एबीपी न्यूज मोकामा पटना।